एक बात भी पता है सर कि चीन की हमारे भारत में बहुत बड़ी मार्केट है जो हम बहुत वो सब वो बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी ने एक मतलब कि एक साल हो गया लगभग कि ये चलाया था, एक वो चलाया था कि मतलब कि चीन की जो वस्तुएं हैं उन्हें उनका हमें बहिष्कार करना है। लेकिन अगर आज हम देख रहे हैं टॉप सोर्स को देख लीजिए आप, KBC को देख लीजिए आप, हमारी टीम इंडिया को जो हमारे देश का गौरव है उसके आप यहाँ पे छाती पे लिखा हो पाएंगे ओप्पो जो कि चाइनीज प्रोडक्ट है, तो हम कहाँ से कर पा रहे हैं सर उनका बहिष्कार तो हम कर ही नहीं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं उन बड़े देश के लोगों को, उन नेताओं और अभिनेताओं को जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नशे की ऐड करते हैं और कहीं ना कहीं अपने देश के झंडे की रक्षा की बात तो करते हैं लेकिन अपने दिल में विदेशी प्रोडक्ट को बसाते हैं, क्या कहना चाहेंगे मेरे दोस्त? सर मैं उन नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि देश का हर युवा आपके साथ है लेकिन अगर आप ही उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आप हमारे मार्गदर्शक हैं तो हम उसे फॉलो कैसे करेंगे। आप अमिताभ बच्चन जी कितनी बड़ी हस्ती हैं, आप उन्हें देख लीजिए, आप वो ओप्पो का वीवो का वो कर रहे हैं प्रचार KBC के थ्रू, आप सलमान खान जी को देख लीजिए वो ओप्पो का प्रचार कर रहे हैं, आप टीम इंडिया को देख लीजिए वो ओप्पो का प्रचार कर रही हैं। तो कहने का मतलब स्वदेशी चीजों के अपनाने के लिए हमारे इन दोस्त के अपने एक मन की बात है कि अगर हम हमारे जो बड़े जो अग्रज हैं जो हमारे टीम लीडर हैं अगर वही विदेशी चीज़ों का प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह लगना सुनिश्चित है। तो ऐसी सोच को सलाम और संदेश है उन लोगों के लिए भी जो विदेशी चीज़ों को अपनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने स्वदेश और इस शास्त्र के बारे में सोचना चाहिए। तो एक बार छोटे भाई के लिए तालियां तो बज दीजिए।